एसआरके की आई जवान बॉक्स ऑफिस के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ आगे बढ़ रही है। जवान मूवी के एक सीन में आप देखेंगे कैसे चीटियां यानी एंट की मदद से एसआरके के घाव को सिला जा रहा है। क्या ऐसा सच में संभव है? जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, यह संभव है। चीटियों की मदद से घाव सिलने की प्रक्रिया को एंट स्टिचिंग या सूटर एंट्स भी कहते हैं। यह प्रक्रिया हजारों वर्षों से इस्तेमाल की गई एंटोमोथेरेपी की प्रक्रियाओं में से एक है। एंटोमोथेरेपी के तहत मानव जाति कीड़ों से निकले पदार्थों का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह की औषधि बनाते हैं। एंट स्टिचिंग की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कुछ ट्राइबल और स्वदेशी लोग के द्वारा किया जाता है। अगर ट्राइबल्स जंग के मैदान में हो या ऐसे जगह जहां औषधि पाने की सही तरह से सुविधा ना हो तो यह लोग चीटियां या कहें तो आर्मी ऑफ एंट की मदद से खुद को बड़े जबड़े वाले एंट से डंक मरवाते हैं। जब चीटियां जख्मी के हिस्से को पकड़कर डंक के मदद से जख्म को दोनों तरफ से पकड़ लेती है, ट्राइबल्स चीटियां के शरीर को उनसे अलग कर देते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीटियां मिलकर जख्म को सिल देती है और जख्म सूखने के बाद चीटियों का सर अपने आप जख्मी के शरीर से सूख कर अलग हो जाता है और उनके डंक शरीर में एंटी बैक्टीरियल औषधि की तरह काम कर जाती है। यह तो हुई प्रक्रिया की बात, पर इसे बिना जानकारी के इस्तेमाल करने से शरीर में सेप्टिक होकर इंसान के जान जाने के भी चांसेस होते हैं।